हाय गाइस, आपका ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मालूम है जब कोई चीज़ जो है नज़दीक आते जाती है, खबर रहती है, तो उसके हिसाब से और जो भी खबर के हिसाब से मैं जो है एक एपिसोड बनाता हूँ जिसका नाम है क्रेजी हम। तो दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट को हमेशा आप लोग ने देखा, लेकिन आज जो है मैं पब्लिक में क्रेजी हम एक बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, और एक दोस्त है, उन्होंने टेलर देखा है, किसी का भाई किसी का जान का। तो चलिए हम लोग तीन जन जो है चर्चा करते हैं किसी का भाई किसी का जान सलमान खान की मूवी। चलिए मैं मिलाता हूँ। सर, आपने टेलर देखा किसी का भाई किसी की जान का, आपको कैसा लगा? सर, टेलर तो अच्छा लगा। हाँ, मतलब कितना अच्छा लगा और मतलब क्या आपको उसके अंदर क्या दिखा? क्या नहीं, उसके अंदर जो एक्टिंग किया है प्लस उसका बोलने का तरीका प्लस बैकग्राउंड वगैरह जो भी है अच्छा लगा। हाँ तो बोल। चल, हाँ तो अच्छा लगा। बाकी इस जो रिएक्शन है वो हिसाब से तो मुझे लगता है कि पिक्चर अच्छी जाएगी। अच्छा, मतलब अच्छी जाएगी। हाँ, अच्छी जाएगी। एक्शन विक्शन? हाँ, एक्शन वक्शन अच्छा है, गाना भी अच्छा है। हाँ, तो चलिए, जो कल आपने देखा था दिनेश जैन से जो टेलर का अपना ओपिनियन दिए थे, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें जो है वो कल से और दो तीन बार देखिए क्रेजी हम में उनके भी। दिनेश, क्रेजी हम में जो है स्वागत है एपिसोड में। जो कि टेलर आपने देखा था, मतलब है पूरे फुल एक्साइटमेंट हो और एडवांस बुकिंग भी चालू हो चुकी है, तो उसके बारे में क्या करें? एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कल तक तो मैं भी टिकट ले ही लूँगा। अच्छा, और दूसरी बात रही कि ये मूवी इस बार अच्छी जाएगी, सलमान खान की बहुत टाइम बाद आई है। हाँ, तो लोगों में उत्साह क्रेज़ भी रहेगा। अच्छा, और उनका जो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा उनमें भी। हाँ, कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, तो देखो मूवी तो उनका जो अभी जो यंग लास्ट में जो फाइटिंग में यंग जो दिखाया उनको, जो पहले का सलमान खान जब इसमें तुमको ना भूल पाएंगे, बहुत सारी मूवी में जो अच्छे रोल किए हैं, वैसे उनका जो दिखने का जो लुक है बहुत अच्छा दिख रहा है। और सलमान खान का मैंने जब मैं छोटा था तो मुझे एक डायलॉग याद था, मेरे अंकल ने बोला था। अच्छा, मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई सलमान खान को कोई भी कपड़ा पहना दो, कोई भी लुकिंग में, वो अच्छा ही दिखने वाले हैं, क्योंकि उसका लुकिंग ही अलग है। भले शाहरुख खान ले लीजिए, आमिर खान ले लीजिए, उनके सामने भी सलमान खान ही अच्छे दिखते हैं, फीके हैं मतलब बाकी तो। और ट्रेलर की बात है तो मैं तो बोलता हूँ कि 3 स्टार ही दूंगा, वो तो मूवी देखने के बाद ही। नहीं, वो तो मैं एडवांस बुकिंग के ऊपर पूछा इसके लिए कि ये अपना क्रेजी हम जो है अपना कुल उसके ऊपर है, वो एपिसोड में आपको ले रहा हूँ। तो एडवांस बुकिंग सर चालू हो चुका है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? एडवांस बुकिंग में ही समझ में आ जाएगा, कम से कम 100 करोड़ तक इसका ये जाएगा, एडवांस में चला जाएगा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हो चुका है, चालू हो चुका है, तो अच्छा ही जाएगा। और मुझे लगता है कि हाउसफुल जाने वाला ही है, फ्लॉप तो होने वाला पिक्चर है। ऑलरेडी जो है गेटी गैलेक्सी में हाउसफुल आधा से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, वही बोल रहे हैं, उनका हाउसफुल ही जाएगा मोस्टली, उनका ज़्यादा करके तो सब पिक्चर हाउसफुल ही जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाई चांस ही कोई है कि जो फ्लॉप गया नहीं, तो बाकी तो हाउसफुल ही जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपने टेलर देखा तो टेलर आपको अच्छा लगा, तो आउट ऑफ 5 टेलर को आप कितना देंगे रेटिंग? अभी फिलहाल जो हिसाब से दिखा टेलर वो हिसाब से तो 3 स्टार देंगे, बाकी अच्छा, देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि बाकी पिक्चर में क्या है। अच्छा, मूवी देखने के बाद 5 स्टार मतलब तय करोगे? हाँ, वो मूवी देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कि आगे का सीन क्या है। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से मूवी एडवांस बुकिंग में कितना जाएगा? हाँ, मेरे हिसाब से लगता है एडवांस बुकिंग में कम से कम 10-12 करोड़ पहले दिन का जाएगा ही जाएगा। हाँ, और कलेक्शन जो है पहले दिन का कितना भी जा सकता है तो उसको देखेंगे। तो अच्छी बात है, आपने आपका ओपिनियन रखे, तो उसके लिए थैंक यू ऑटो वाले अंकल चैनल में। तो दोस्तों, देखा आप लोग ने, जो कि बस इतना ही, मैं ही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय।